Hello guys and welcome back to Latent Scholars, where futurizing your own abilities. Guys, आज हम वापस से हमारा एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर सेशन नंबर टू, ठीक है। और इस सेशन नंबर टू के अंदर जैसा कि कल हम लोगों ने बात करी थी कि हम क्या चालू करने वाले हैं, कि सब कुछ जो बदला है उन बदली हुई चीजों को हम लोग एक बदले हुए अंदाज के अंदर बिल्कुल बदलने के बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि आज से जो हमारा सीरीज ऑफ वीडियोस स्टार्ट हो रहा है, पर्टिकुलरली फॉर क्लास 9 एंड फॉर क्लास 10, वहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो पैटर्न बदल चुका है, जो पैटर्न में बदलाव आया है, जिस पैटर्न को बदला है सीबीएसई ने, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग हमारे नए वीडियोस रेगुलरली अब अपलोड करेंगे, ठीक है, राइट। और इन वीडियोस की जानकारी आपको हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट से रेगुलरली मिलती रहेगी। जैसा कि आज सुबह मैंने हमारे एक फेसबुक अकाउंट के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था पर्टिकुलरली फॉर क्लास 9 एंड क्लास 10, अगर किसी ने मिस कर दिया है, बाय चांस मिस हो चुका है, तो प्लीज जाइए देखिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। वहां पर हमारे चैनल का लिंक और सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं कि किस तरीके से आप हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जब सब कुछ बदल चुका है तो यार आज मैं बहुत दिनों बाद ये पिंक टी शर्ट पहन के आया हूं, बिल्कुल बदली हुई, बिल्कुल पुराने जैसा हमारा कुछ अंदाज था, ठीक है ना। तो चलिए पहले मैं कुछ बात बता दूं कि हमारे पास जो क्लास 9th और क्लास 10th की बुक्स अवेलेबल हैं, दिस इज फॉर क्लास 9th, ये हमारी एक बहुत छोटे से पैकेट में एक बहुत बड़ा धमाका है, किताब है, बहुत पतली है, राइट। अगर आप देखें तो किसी भी रिफ्रेशर के कंपैरिजन में अगर मैं तीनों किताबों को रख दूं तो उसका आधा ही साइज होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ के अलावा कहीं पे भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सारी कॉपीज ये लेटेस्टली अभी ही लॉन्च हुई हैं, तो इसकी बहुत सारी कॉपीज ऑलरेडी लोगों तक पहुंच चुकी हैं, और जिन तक नहीं पहुंची हैं गाइस, दो दिन के इंतजार करिए, आप लोगों तक उसकी कॉपीज पहुंच रही हैं, यहां से डिस्पैच हो चुकी हैं। और अगर इसके अलावा भी किसी को ऑर्डर देना है इन बुक्स के लिए, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लगाइए 9529255440 और आप हमसे ये बुक्स ले सकते हैं। तो घर बैठे ऐसी सुविधा आपको आराम से मिल सकती है फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10th, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो नंबर 1 के ऊपर। सो अगेन गाइस, वेलकम बैक टू लिटिल स्कॉलर्स, वेयर फ्यूचरलाइजिंग योर ओन एबिलिटीज। हम लोग आज हमारा फर्स्ट वीडियो That is what revised session के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, और ऊपर आपको नाम लिखा हुआ पता चलेगा चैप्टर का, that is what chemical reactions and equations, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर मैं किस बारे में बात करूंगा, chemical reactions and equations के बारे में बात करूंगा। तो अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बहुत ही पसंदीदा सवाल करूं, ठीक है, राइट, तो मेरा सबसे पसंदीदा सवाल इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये होता है कि आपका क्या अर्थ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज, और उस फिजिकल और उस केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने वाली जो तरीका है उसको बताने का, उसको लिखने का, उसको डिस्क्राइब करने का, उसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो तरीका कहलाता है केमिकल रिएक्शन। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसकी मैं इक्वल कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन में बदलने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। चीज नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट, नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर 2 लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, राइट, ओके।
ओके नंबर थ्री के बारे में हम थोड़ा सा आपको आगे लेके जाएंगे और फिर वहां पे बताएंगे, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट हो चुका है एमसीक्यू बेस के लिए कि अगर रिएक्शंस को इक्वेशंस में होना है तो उनको किन किन लॉज को वेरिफाइड करना पड़ेगा। तो लॉ नंबर वन इज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड द सेकेंड लॉ इज व्हाट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है। चलो एक चीज और, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो आप क्या करोगे, ये मैंने पेन उठाया तो इस मार्कर को खोला, बाहर निकाल दिया, ठीक है, और मैं अब इसको वापस जोड़ रहा हूं, ठीक है। चलो और भी कुछ कर लेते हैं, ये वापस यहां से खोल के निकाल दिया, ठीक है, अब ये वापस से मैं इसको जोड़ रहा हूं, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास ये एक कपड़ा है, ठीक है, तो अगर हम इस कपड़े को फाड़ दें, ठीक है, तो हम लोग इसको वापस सिलाई करके क्या करें, इस कपड़े को अगर फाड़ दूं यहां से, ठीक है, फाड़ूंगा नहीं भाई, फाड़ दूं अगर, तो मैं इस कपड़े को क्या कर सकता हूं, वापस से जोड़ सकता हूं, ठीक है, राइट। तो अब क्या है कि एक सॉरी एक ऐसा चेंज, ठीक है, एक ऐसा चेंज जिसके अंदर हम लोग किसी काम को करें और वो काम वापस से उल्टे डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो सकता हो, ठीक है, दैट इज व्हाट, ये मैंने छीका, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सम सॉर्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने स्नीज किया, ठीक है, वॉटर ड्रॉपलेट्स निकले, एटमोस्फेयर में गए, ऐसा नहीं हो सकता कि ये वापस से इसी प्रोसेस से नोज के थ्रू अंदर चले जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई चेंज जिसको हम वापस से रिपीट कर सकते हैं, राइट, वापस से उल्टा कर सकते हैं, उन सारे चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, ठीक है। जैसे देखिए फिजिकल चेंज के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ शेप बदला, सिर्फ और सिर्फ साइज बदला, हो सकता है इसका कलर भी बदल जाए, ठीक है। तो वो सारे चेंजेस जिनके अंदर आप लोगों को नोटिसेबल चेंज इन व्हाट, साइज, शेप, कलर, अपेरेंस, राइट, ये सारी चीजें मिले, उन सारी चीजों को, ठीक है, हम लोग कौन सा चेंज बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। एक सबसे अच्छी चीज यहां पर नोट करने के लिए, ठीक है, दैट इज व्हाट, नो चेंज इन एनर्जी, नो चेंज इन एनर्जी, राइट, एनर्जी के अंदर भी कोई चेंज नहीं होता, ना तो कहीं से एनर्जी गेन होती, ना ही कहीं से एनर्जी रिलीज होती। से फॉर एग्जांपल मैंने इसको खोला, ठीक है, इसको खोलने के अंदर क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हो गई मेरी बॉडी में से इसकी बॉडी के अंदर, खोलने के अंदर जो एनर्जी गई, सिंपल सी, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप देखो कि आसपास के अंदर कोई भी एनर्जी का चेंज जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट, दैट सॉर्ट ऑफ चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंजेस, ठीक है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर एक वर्ड यूज करूं, दैट इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या बॉइलिंग प्रोसेस एंड मेल्टिंग, राइट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग बोथ आर पार्ट ऑफ व्हाट, फिजिकल चेंजेस। से फॉर एग्जाम्पल नो चेंज इन एनर्जी, हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल मैंने हीट किया किसको, बर्फ को, मैंने बर्फ को हीट करना चालू किया, तो जो भी एनर्जी जाएगी उस बर्फ के इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स, उस आइस के इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स को ब्रेक करने में ही जाएगी, ठीक है, आसपास में चेंज इन एनर्जी नहीं होगा। नंबर वन, नो चेंज इन एनर्जी, ठीक है, सिर्फ अपीयरेंस बदला है, शेप बदला है, साइज बदली है, स्टेट बदली है। लेकिन अगर मैं उस पानी को वापस ठंडा करूं, अगर मैं उस वॉटर को वापस से ठंडा करूं, ठीक है, राइट, मैंने पानी को वापस से क्या किया, कूल किया, तो मुझे आइस मिल जाएगी।
और अगर मैं आइस को हीट करूं तो मुझे वाटर मिल जाएगा. इट मींस इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. तो वो सारे प्रोसेस जिनके अंदर हम लोग चीज को वापस वैसा ही कर सकते हैं, उन सारे प्रोसेसेस को हम लोग कौन सा चेंज बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस बोलते हैं. ठीक है, तो दीज आर अ काइंड ऑफ व्हाट रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट. चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे केमिकल चेंज का. ठीक है, देखिए केमिकल चेंज का क्या एग्जाम्पल है. हाँ भाई, ये हमारे मिस्टर सक्षम जी हैं. ठीक है, हम लोग अब एक पेपर को चलाने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू नोटिस कि कितने सारे चेंजेस आएंगे. सर आप देख सकते हैं सामने, देखिए सबसे पहले ये पेपर जल रहा है. ठीक है, आपको यहां से गैस उगती हुई दिख रही है, प्लस साथ में हम लोगों को चेंज इन हीट हो रहा है और बहुत सारी गैस यहां पर रिलीज हो रही है. ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, राइट. चलिए मैं वापस से पेपर उठाता हूं. अगेन नाउ यू गोइंग टू सी कि जो पेज था, ठीक है, मेरे पास वो ऐश में कन्वर्ट हो गया और अब अगर मैं वापस से ये पेज बनाना चाहूं देन दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, थैंक यू सचिन. चलिए अब देखते हैं हम लोग के केमिकल चेंजेस क्या है. तो अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, बर्निंग ऑफ अ पेपर इज व्हाट अ सॉर्ट ऑफ केमिकल चेंज. ठीक है, तो जब भी एक केमिकल चेंज होगा, एश बना, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है, राइट, ओल्ड सब्सटेंस डिसअपीयर, राइट, पुराना सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा पूरी तरीके से. ठीक है, राइट, चेंज इन हीट, चेंज इन एनर्जी, राइट, आइदर देयर इज चेंज इन पॉजिटिव एनर्जी, देयर इज चेंज इन नेगेटिव एनर्जी, एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन एनर्जी दैट इज रिजेंबल बाय अ केमिकल चेंज. तो व्हाट इज एक्चुअली अ केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ओल्ड सब्सटेंस पूरी तरीके से खत्म हो गया, चेंज इन एनर्जी हो रहा है, एंड वन मोर थिंग, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज कंप्लीटली इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, हुआ क्या जलते समय, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अकाउंट देंगी कि एक्चुअली एक केमिकल चेंज वहां पर अकर हुआ है. ठीक है, हम लोग और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ आएंगे चैप्टर्स के साथ में, बट फिलहाल के लिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स पे चल रहे हैं. विल गो विद द बेसिक कंसेप्ट्स. ठीक है, हर चौथा वीडियो दोस्तों, हर चौथा वीडियो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे एमसीक्यूज के ऊपर बेस्ड होगा. बहुत छोटा सा वीडियो रखेंगे हम लोग जहां पर आप लोगों के साथ सिर्फ एमसीक्यूज को लेकर मिलेंगे. ठीक है, एमसीक्यूज, फिलअप्स, इन सारी चीजों के अंदर. ठीक है, चलिए, तो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, ओल्ड सब्सटेंस जैसा पेयर हो रहा है, चेंज इन एनर्जी हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, ये सारे अकाउंट ऑफ चेंजेस हो रहे हैं और इन सारे अकाउंट ऑफ चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस, क्योंकि ये वापस से उल्टे नहीं हो सकते. और ये सारे अकाउंट ऑफ चेंजेस वापस से उल्टे हो सकते हैं, इसीलिए इनको हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे. इज दैट क्लियर. अब केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका, दैट इज व्हाट केमिकल रिएक्शंस. तो व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज, रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, राइट. तो वो मेथड जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक केमिकल चेंज अकर हुआ है, उस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को वी आर गोइंग टू नोन एज केमिकल रिएक्शन. से फॉर एग्जाम्पल हम रिएक्शन देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन क्या है. चलिए पेपर के अंदर क्या है, ठीक है, हर चीज में कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन
मैंने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, हीट किया मैंने उसको, ठीक है, और मुझे क्या मिली, एक गैस मिली कार्बन को बर्न करने के बाद, सफिशियंट अमाउंट में मैं बर्न कर रहा हूं, विल गेट व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन सफिशियंट अमाउंट में बर्न होगा, कैसे अमाउंट में, सफिशियंट अमाउंट में, अगर इस कमरे में ऑक्सीजन की कमी होती, इस कमरे में ऑक्सीजन की कमी होती तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड होती, विल गेट व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, राइट। तो व्हेनेवर अ कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास वो पेपर था, हमने उसको बर्न किया, बर्न करने के बाद एक गैस रिलीज हुई आपने देखा, एंड दैट गैस इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, वो गैस क्या कहलाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगी, इज दैट क्लियर। तो ये मेथड हुआ रिप्रेजेंट करने का, क्या, पेपर की बर्निंग को, पेपर में कार्बन है, कार्बन की बर्निंग को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। एंड व्हेन इट बिकम्स इक्वेशन, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हो रहा हो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा हो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चेक करते हैं, कार्बन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हो गया। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, CO2 बनाए एक प्रॉपर मास के अंदर बनाए, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यानी कि जब भी एक केमिकल चेंज प्रोसीड होगा तो उसके प्रोसीड होने पर जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो रिएक्शन कहलाएगी, और अगर वो रिएक्शन इन दोनों लॉस को फॉलो कर रही है, देन इट बिकम्स व्हाट, इक्वेशन, इज दैट क्लियर, ठीक है गाइस। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो नंबर वन, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। अब अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम लोग आपके साथ आएंगे एक और चीज के साथ, दैट इज व्हाट, कि किस तरीके से जब केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली अकर होती हैं तो क्या क्या चीजें हमारे लिए नोटिसेबल होती है, ठीक है, राइट। तो वो होगा हमारा दूसरा वीडियो, जो कि आप लोगों के साथ कल आपको अपलोड होगा लगभग शाम को 7 बजे, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। और आप लोग हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर चैनल लिंक्स अवेलेबल है, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू योर जॉब, थैंक यू सो मच।